नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन जत्थावर हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी विशेष तैयारी के यह हमारा सिलसिला लगभग 25-30 हफ्तों से जारी है और आपका सहयोग मिलता रहा, आपका प्रेम मिलता रहा, आपकी लाइक्स और आपका उत्साह बढ़ाने का जो काम है वो चलता रहा, इसलिए मैं आपके समक्ष आता रहूंगा। हमारे बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो कि अपनी उम्र के 40, 50 या 60वें वर्ष में हैं और अचानक से उनको जीवन में ये परिवर्तन महसूस होने लगता है। थकान सी लगने लगती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, मन ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में तुनक मिजाज हो जाते हैं, कुछ नकारात्मकता आने लगती है और बातें ऐसी कि कहीं ना कहीं उसमें नकारात्मकता का पुट बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है और क्या होता है कि याददाश्त कम होने लगती है, छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, भूलने की बात आ जाती है, काम में मन नहीं लगता, थकान महसूस होती रहती है और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के प्रति भी रुचि कम हो जाती है और उत्तेजना भी कम हो जाती है। फिर क्या होता है कि उनको ऐसा लगने लगता है कि अरे जीवन में अब कोई रस नहीं रहा। बाहर से देखें तो मोटे तौर पर लोग नोटिस करते हैं कि उनका शेविंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उनको बार बार शेव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ चमड़ी भी थोड़ी सी ढीली ढाली होने लगती है, छाती का भी थोड़ा सा विपरीत दिशा में विकास होने लगता है और ये सब बातें हैं, थोड़े से प्राइवेट पार्ट के बाल भी कम होने लगते हैं। तो ये क्या अवस्था है ऐसी चीजें, और नींद भी जो है कहीं ना कहीं वो अपने आप को देखते हैं कि नींद अच्छे से नहीं आ रही, जीवन का सारा रस चला गया। तो हम एक कंसेप्ट है, जैसे महिलाओं में मीनोपॉज होता है वैसा ही एक कंसेप्ट है एंड्रोपॉज। हालांकि हमारे हार्मोन की जगत में इसको बहुत ज्यादा स्वीकृति नहीं है क्योंकि ये कब होता है, कितने मात्रा में हार्मोन होने पे कहा जा सकता है ये अभी भी स्पष्ट नहीं है, पर यह स्थिति होती है। इसको कहते हैं मेल हाइपोगोनाडिज्म। ये वो अवस्था है जब किसी कारणवश मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में कम होने लगता है। तो ये एक विकट परिस्थिति है जो कि इतनी ज्यादा रेयर नहीं है, इतनी ज्यादा दुर्लभ नहीं है, ऐसा नहीं होता, बहुत मरीजों को ये समस्या होती है। बहुत से मरीज हमारे पास आते हैं वो अपने 20वें-30वें वर्ष में जीवन में होते हैं, उनकी गर्दन बिल्कुल काली होती है, मसे आने लगते हैं, पेट देखेंगे तो पेट निकला हुआ, छाती बिल्कुल नीचे और शुगर्स देखेंगे तो बढ़ा हुआ, और फिर इनमें भी कहीं के घूम फिर के अगर आप विवेचना करें तो वो कहने लगते हैं डॉक्टर साहब ऊर्जा की कमी है, सेक्स में इच्छा नहीं है, पार्टनर के प्रति रुचि नहीं है। तो ये भी केस होते हैं मेल हाइपोगोनाडिज्म के। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे पुरुषों में जब हम वजन कम करते हैं, जब इनका ये गर्दन की कालेपन चला जाता है जैसे ही वजन कम करते हैं, दौड़ते भागते एक्सरसाइज करते हैं, शुगर नियंत्रित करते हैं, तो एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि हार्मोन की जब हम जांच करते हैं दोबारा तो जो हार्मोन पहले कम आ रहा था वो अब नॉर्मल आने लगता है और सारी चीजें नॉर्मल होने लगती है। तो ये परिस्थिति है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण, मोटापे के कारण, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हाइपोगोनाडिज्म की। ये भी अवस्था है मेल हाइपोगोनाडिज्म की। कई बार कुछ लोगों को अंडकोश में चोट लग जाती है, सूजन हो जाती है, कुछ लोगों को गलसुए की बीमारी होती है बचपन में तो अंडकोश में सूजन हो जाती है, तो यह हार्मोन की कमी रहती है। तो वो परिस्थिति एक अलग है पर उसका भी एक ही कारण है, मेल हार्मोन की कमी होना। तो ये मेल हार्मोन है क्या, जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, हमें अधकचरा ज्ञान मिलता है कहीं ना कहीं, मैगजीनों में, अखबारों में भी इसके बारे में छुपकर चर्चाएं होती हैं, खुलकर चर्चाएं प्रायः हम लोग करते नहीं कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से इन मामलों में हम लोग बहुत खुले हुए नहीं हैं। तो ये मेल हार्मोन होता क्या है, ये मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन बनता कहाँ है, पुरुषों में ये अंडकोश में बनता है, महिलाओं में भी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनता है, उसका स्रोत है अंडाशय यानी ओवरी। एक ऑर्गन महिला और पुरुष दोनों में कॉमन है जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, बड़ा भारी नाम है, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं आप, इसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल नाम के ग्लैंड से भी एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। तो जो मुख्य स्रोत पुरुषों में होता है वो आपका अंडकोश है यानी टेस्टिस। तो टेस्टिस में अगर किसी भी प्रकार की चोट लगेगी तो यह हार्मोन कम हो सकता है। कई बार
बचपन में हमें गलसुओं की बीमारी होती है तो अंडकोश भी में भी सूजन आ जाती है। मम्स की बीमारी के बारे में सुना होगा ना, वहां पे भी ये हार्मोन बनना कम हो जाता है, कई बार चोट लगने पे भी यह स्थिति बनती है। तो इस हार्मोन का काम क्या है, क्या करता है यह हार्मोन? देखिए, हार्मोन पुरुषों में तीन तरीके से काम करता है। एक, जो टेस्टोस्टेरोन के मरे एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं आपके ऊतकों में, सेल्स में, बॉडी है ना, समूह है सेल्स का, तो सेल के सरफेस पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे ये हार्मोन जाके चिपक जाता है, जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म है। फिर अब इसकी गतिविधियां होती हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है और पुरुषों में मांसपेशियों का विकास करता है, पुरुषों में इसके अलावा हड्डियां मजबूत करता है और आपकी सेक्स के प्रति जो उत्तेजना है, जिसको हम लिबिडो कहते हैं, वो बढ़ाता है। तो ये जो हार्मोन है ये आपके पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करता है। फिर क्या करता है ये हार्मोन? इस हार्मोन का एक एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। सबसे एक्टिव फॉर्म होता है इस हार्मोन का डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। कई बार आपके डॉक्टर लिखते हैं ना कि डीएचटी की जांच कराइए, तो वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आपके जब चमड़ियों में आता है, जब आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, तो काले पुरुषों में काले बाल आते हैं ना, तो वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कारण आते हैं। आपके दाढ़ी के बालों को नियंत्रित करता है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कांख के बाल, प्राइवेट पार्ट्स के बाल, ये सारी चीजें डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नियंत्रित करता है। कई बार इसकी अधिकता होने पे मेल पैटर्न बाल्डनेस होने लगती है, देखा होगा ना, बहुत से आपके सीने कलाकारों के बाल कम होने लगते हैं, तो वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मेल पैटर्न बाल्डनेस कहलाता है। महिलाओं में भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा क्या करता है कि यह टेस्टोस्टेरोन एंजाइम के इन्फ्लुएंस में महिला हार्मोन एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट होता है। जब ये एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट होता है तो प्रौढ़ावस्था में आपकी हड्डियां जोड़ने का काम यही करता है। होता है ना मित्रों कि प्रौढ़ावस्था आ गई, प्यूबर्टी हो गई, तो हड्डियां जुड़ गई, तब ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, तो ये एपिफिसियल फ्यूजन का काम भी ये एस्ट्राडियोल के थ्रू ये करता है। और पुरुषों में ये एस्ट्राडियोल इसलिए जरूरी है कि आपका जो सबक्यूटेनियस फैट है ना, जो आपके शरीर में वसा की मात्रा भी नियंत्रित एस्ट्राडियोल के थ्रू होती है। इसलिए ऐसा नहीं है, ईश्वर ने ये बनाया है, जो हमारा कंसेप्ट है ना, हम भगवान शिव को कहते हैं अर्धनारीश्वर है, पुरुष भी है महिला भी है, तो वो जो एक समन्वय है, ये हमारे पूर्वजों का कमाल है कि उन्होंने हजारों साल पहले ही इस चीज को समझ लिया था, वो हार्मोन के रूप में भी आपके शरीर में उपलब्ध है। तो टेस्टोस्टेरोन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बहुत ज्यादा होता है, महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम होती है। वैसे ही एस्ट्राडियोल महिलाओं का मुख्य हार्मोन है, पर ऐसा नहीं है कि वो पुरुषों में नहीं होता। उसकी मात्रा जैसे महिलाओं में टेस्टो की मात्रा कम होती है, वैसे ही पुरुषों में एस्ट्राडियोल की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो इस हार्मोनल समन्वय का जो वो है, आप देखा जाए तो आप बड़े चमत्कृत हो जाएंगे, ये एक चमत्कारी सिस्टम है। अब हमने बात कर ली कि ये कैसे असर दिखाता है, क्या क्या करता है। बहुत लोगों में ये कमी आ जाती है, उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि कुछ लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित हैं, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसलिए ये हार्मोन कम होने लगता है। कुछ लोग कुछ हार्मोन जनित बीमारियां, जहां प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है, ये मास्टर ग्रंथि होती है ना, कभी कभार मास्टर ग्रंथि में ट्यूमर हो जाता है तो भी ये परिस्थिति निर्मित होती है। कभी मास्टर ग्रंथि के ट्यूमर से प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बनने लगता है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो कॉर्टिसोल है, जो ये एड्रीनल ग्रंथि, जो मैंने बताया ना आपको अधिवृक्क ग्रंथि, वहां से कॉर्टिसोल के एक्सेस में भी ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है कि टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। तो ये जो परिस्थिति है, इससे क्या होता है कि आपका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, आपके जो पुरुषोचित गुण है वो थोड़े से कम होने लगते हैं, उत्तेजना कम होने लगती है, संबंध बनाने की इच्छा कम होने लगती है और शारीरिक तौर पे आप कमजोर होने लगते हैं, याददाश्त कमजोर होने लगती है और आपको नींद भी अच्छे से नहीं आती और व्यवहार वो तो चिड़चिड़ा होगा ही। जो इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं अगर आपको ये लक्षण लगे तो आपको एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ से अपनी गहन विवेचना करानी चाहिए। और मित्रों, एक चीज बहुत कमाल की है कि जो हार्मोन की बीमारियां जब हम सही दृष्टिकोण से देखते हैं और सही तरीके से इनका निदान करते हैं तो परिणाम चमत्कारी होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जिम ट्रेनर्स आपको बोलते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन लगा लीजिए। कई बार आपको ताकत बढ़ाने के लिए भी कुछ डॉक्टर्स इस तरह के हार्मोन्स लगाने लगते हैं।
इसके साथ साथ एंडोजेनिक स्टेरॉइड लगाने लगते हैं। पर यह परिस्थिति किसी हार्मोन रोग विशेषज्ञ की सलाह के बगैर होता है तो यह आपको नुकसान पहुंचाता है। प्राकृतिक तौर पे जो आपके शरीर से बन रहा है टेस्टोस्टेरोन, जो आपके अंडकोश से बन रहा है, वो आपके शरीर के लिए लाभदायी है। टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन उनको लगाना चाहिए जिनको टेस्टोस्टेरोन की कमी है, हार्मोन का डॉक्टर कहता है कि हार्मोन सप्लीमेंटेशन करना है। तो इस इंजेक्शन को लगाने से आपके शरीर में ऊर्जा आने लगती है, मांसपेशियों का विकास होने लगता है, हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, व्यवहार बदल जाता है, व्यवहार में सकारात्मकता आने लगती है, जोश बढ़ जाता है और आपका लिबिडो इम्प्रूव होने लगता है। तो ये डॉक्टर साहब आपने तो सारी चीजें बहुत अच्छी बता दी, क्यों ना हर पुरुष ये हार्मोन लगाने लग जाए बाहर से, क्योंकि मायूसी की परिस्थिति तो हर जगह आती ही है। कई बार हम लोग महसूस करते हैं कि शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ गया और कमजोर हो गया, पर यह बात गलत हो जाएगी। ये एक तरह का आप एंडोक्रीन आतंकवाद करेंगे, हार्मोनल आतंकवाद करेंगे, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित ये हार्मोन अगर आप बाहर से, आप प्रजनन की अवस्था में हैं, आप यंग हैं, आपको अभी परिवार पूरा करना है और आपने ताकत और मांसपेशियां और जिम जाने के लिए हार्मोन लगाना चालू किया, तो हमारे ऐसे बहुत से मरीज आते हैं, यंग लोग आते हैं, साहब शादी को 2 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, जांच किया तो हमारे शुक्राणुओं की कमी आने लगी है। वाइफ तो बिल्कुल ठीक है पर हमारे शुक्राणु यानी बीज ही कम है, तो अंडे से बच्चा कैसे पैदा होगा? तो ये परिस्थिति निर्मित होती है अगर आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन लगाते हैं, तो आपके जो अंडकोश से आपका जो शुक्राणु बनता है, वीर बनता है, वो कम होने लगता है। तो ऐसी गलती मित्रों नहीं करना है। जो भी आपको ये हार्मोन का प्रयोग करना है, ये ओवर द काउंटर भले आपको कहीं मिल जाए, बिना पर्चे के भी मिल जाए, पर आपको बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं करना है। बिना हार्मोन के डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ना है। हमारी जो भी जटिलताएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको जीवन शैली में उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। तो नाना प्रकार की वेबसाइट्स में आप देखेंगे कि क्या खाएं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाएगा। कई जगह मिलेगा कि पालक लीजिए, कई लोग बोलेंगे आड़ू खाइए, कुछ लोग बोलेंगे कि अनार के दानों से भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, कुछ लोग नाना प्रकार के बहुत सारे फल सब्जी बताएंगे जिसके सेवन से आप ये मेल हार्मोन बढ़ा सकते हैं। पर आप मुझे एक हार्मोन के डॉक्टर से पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूंगा, कोई भी परिस्थिति जहां पे आपके शरीर में स्ट्रेस कम होता है, शरीर में तनाव कम होता है, शरीर फलने फूलने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, मोटापा कम होता है, मधुमेह है तो वो नियंत्रित हो जाता है, या ब्लड प्रेशर नियंत्रित आप कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल आप नियंत्रित करते हैं, तो वो परिस्थिति है जो इस हार्मोन को बढ़ाने में सहायक होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन चीजों को ना खाएं, पर इन चीजों पर पूरी तरह से आश्रित मत रहिए। आपका कर्तव्य डॉक्टर की सलाह के बाहर क्या है? आपका कर्तव्य है कि आप जीवन में खुशियां बढ़ाइए, सकारात्मकता बढ़ाइए, नियमित व्यायाम करें, अच्छा भोजन लें और शरीर में होने वाली मेटाबॉलिक चेंजेस, जिसमें गर्दन काली होने लगती है, मसे आने लगते हैं, शुगर बढ़ने का अंदेशा होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का अंदेशा होने लगता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, उन परिस्थितियों को रोकें। उनको आप जब नियंत्रित करेंगे तो अपने आप शरीर फलने फूलने लग जाएगा और यह हार्मोन बढ़ने लग जाएगा और एक सही स्थिति में आएगा तो आपका मन और आपका विचार और आपके शरीर की सकारात्मकता सब एक दिशा में काम करके जीवन में खुशियों की स्वर लहरियां बजाने लग जाएंगी। अब आपने कहा पुरुषों के बारे में तो डॉक्टर साहब आपने बहुत बता दिया, क्या महिलाओं में भी ये जरूरी है? हाँ, महिलाओं में भी इस हार्मोन का बड़ा महत्व है। जो उत्तेजना आती है, जो लिबिडो है, वो यही हार्मोन तय करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने बच्चादानी निकाल दी, तो मैं हार्मोन के डॉक्टर के तौर पे, ठीक है, उन कारणों का सम्मान है जिनके कारण स्त्री रोग विशेषज्ञों को बच्चादानी निकालनी पड़ती है और अंडाशय माने ओवरी भी निकालनी पड़ती है, वो विशेष परिस्थितियों के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर प्रायः जब किसी अनावश्यक कारण के कारण बच्चादानी निकाल दी गई तो बच्चादानी की जो आर्टरी है, जो नस है उसकी खून की, वही आपके अंडाशय को सप्लाई करती है। मान लीजिए आपने अंडाशय बचा ली, ओवरी बचा ली और यूट्रस निकाल लिया, तो 80% सप्लाई यूट्राइन आर्टरी से ही होती है, तो ये अंडाशय काम करना बंद कर देता है। तो इन महिलाओं को मीनोपॉज की स्थिति आती है, वो तो सभी को मालूम है। पर क्या होता है कि ये मीनोपॉज के बाद भी हमें अंडाशय की जरूरत होती है। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मीनोपॉज हो गया, अब क्या करना है ओवरी का? ओवरी से जो मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन्स, उसमें टेस्टोस्टेरोन भी है,
ये बनता है। और ये महिलाओं को उत्तेजना के अलावा उनके शरीर में उनकी हड्डियों की भी ध्यान रखता है। तो ये जो हार्मोन है, तो मीनोपॉज के बाद जिन महिलाओं को यूट्रस निकाल दिया गया, ओवरीज निकाल दी गई, तो उनके लिए ये बड़ी दुखद स्थिति बन जाती है कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और कभी कभार ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी का ये कारण बन जाता है। वैसे भी मीनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में बहुत आयत में है, पर जिन महिलाओं के ऑपरेशन हो गए और उनका अंडाशय निकाल दिया गया, तो ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी होने के कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो ये परिस्थिति इस तरह से निर्मित होती है। इसीलिए ये जो हमारा एज ओल्ड कंसेप्ट है कि एक शरीर जो है वो आधा पुरुष आधा नारी, इस तरह से है, जो ये हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट, जो टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट है, वो पुरुषों में भी है और महिलाओं में भी है। तो इसलिए इन चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से समझिए और कभी कोई समस्या होती है तो अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए, वो विवेचना करेंगे और जीवन में खुशियां आ जाएंगी। आशा है इस विषय पर मेरी यह जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और कोई भी अगर आपको बातें हैं, कोई भी प्रश्न है, तो यहां नीचे लिखे कॉलम में, कमेंट कॉलम में लिखिए, मैं उसका विस्तार से जवाब दूंगा। आशा है ये हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे होंगे। धन्यवाद।